नमस्कार पंचायती टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सिंह। दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं, पांच बड़ी खबरें हम आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं। और सबसे पहले लेके चलते हैं आपको मुंबई। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक चार्टर्ड प्लेन के क्रैश होने से पांच लोगों की मौत हो गई है और मरने वाले में एक पायलट, तीन पैसेंजर और एक यात्री था जो कि पैदल जा रहा था जब प्लेन क्रैश हुआ। उस दौरान बताया जा रहा है कि ये प्लेन जो था ये उत्तर प्रदेश सरकार का था। जब उत्तर प्रदेश सरकार से बात की गई तो सरकार ने कहा ये 2014 तक उत्तर प्रदेश सरकार में सेवा में रहा, उसके बाद ये प्लेन बेच दिया गया। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। अगली खबर आ रही है आम आदमी पार्टी से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कुमार विश्वास, जो अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास के बीच की जो खटास है वो जग जाहिर है। सबको पता है कुमार विश्वास अलग अलग मंचों से कविताओं के जरिए अपने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते रहते हैं और इस बार उन्होंने फिर से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और केजरीवाल को बावना कहा है। दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक पे अरविंद केजरीवाल ने तमाम सवाल खड़े किए थे, कई सबूत मांगे थे और उसके बाद 27 जून को सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो लीक होने के बाद अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास ने निशाना साधा है। उन्हें कहा कि बौना नेता है और उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए अगर वो सेना की शौर्य गाथा पे इस तरीके से सवाल खड़ा करते हैं तो। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर भी दिल्ली से है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जहाँ कुमार विश्वास ने उनके ऊपर हमला बोला, वहीं दिल्ली पुलिस ने भी उनके खिलाफ चार्जशीट दायर किया है। अंशुल प्रकाश से कथित मारपीट के मामले में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर किया है जिसमें आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है। अगर आरोप साबित होते हैं तो अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। अगली खबर है 29 जून को प्रधानमंत्री का मगहर का दौरा है। उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मगहर में जाके सुरक्षा की जांच करते हैं, पूरा तैयारियों की जांच करते हैं। इसी दौरान वो संत कबीर के मयार पे भी जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जब उन्हें टोपी पहनाई गई तो उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। टोपी पहनने के इनकार करने के बाद राजनीतिक उठापटक का जो माहौल है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से गर्म हो गया है कि आखिर मजार पे जाके इन्होंने टोपी क्यों नहीं पहनी। और आज की आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। आखिरी खबर है कि केंद्र सरकार 125 रुपये का सिक्का मार्केट में लाने की कोशिश में है और कल पीसी महालवीय के 125वीं जयंती के अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 125 रुपये के सिक्के को लॉन्च करेंगे। साथ में 5 रुपये के भी नए सिक्के को लॉन्च करेंगे जो मार्केट में बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम यूट्यूब और फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाते रहते हैं। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।